हिंदी साहित्य भारती के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री रविंद्र जी, इस व्याख्यान के अध्यक्ष श्री देवेंद्र जी और सभी श्रोतागण, मुझे श्री राम के बारे में कुछ कहना है, लेकिन वो एक सीमित क्षेत्र में कहना है। वैसे तो राम इंडोनेशिया से लेकर श्रीलंका तक, फिजी से लेकर अयोध्या तक सर्वत्र स्थापित है, और उनके बारे में करीब 120 रामायण भी हुए हैं। प्रत्येक भाषाओं में अपने अपने रामायण हैं, अपनी अपनी नज़रिए से किया है। लेकिन श्री राम के बारे में जब हम सोचते हैं तो बहुत एकदम स्पष्ट हो जाता है कि राम केवल अवतार कार्य नहीं थे, केवल भगवान नहीं थे, केवल ईश्वर नहीं थे, केवल देवता नहीं थे, वो मनुष्य भी थे। मनुष्य के रूप में उनका अवतार हुआ और मनुष्य की समग्र वेदनाओं का उन्होंने प्रतिनिधित्व किया। मुझे एक पुरानी फिल्म की गीत पंक्ति याद आती है, शायद कवि प्रदीप जी ने लिखी है। तपते तपते बुढ़े हो गए धरती और आकाश, जब जब राम ने जन्म लिया तब तब पाया वनवास। ऐसा क्या भाग्य में लिखा था भगवान श्री राम में कि जब जब उनका किसी न किसी प्रकार से अवतार कार्य होगा, होता है, हो आने वाले दिनों में भी होगा, तो उनको ये असीमित पीड़ाएं झेलनी पड़ती हैं। अब उन्हीं के आधार पर लोगों ने कविताएं रची, लोगों ने महाकाव्य लिखे, लोगों ने उपन्यास भी लिखे। पुराणों से लेकर आज तक संत तुलसीदास जी के रामचरितमानस तक का ये व्यापक विस्तार है, हरि कथा अनंता। इसी के बीच मैं थोड़ा सा इतिहास का आदमी हूँ, इसलिए तथ्यों के साथ श्री राम, और वो भी गुजरात में, इस बारे में मुझे कहना है। गुर्जर भूमि को प्रत्येक देवी देवताओं में अनहद श्रद्धा है, इसीलिए पुराण प्राचीन गिरिवर गिरनार में 33 करोड़ देवी देवता, 9 नाथ, 52 वीर, 64 योगिनी और 84 सिद्ध पुरुषों का निवास रहा है, ऐसा कहा जाता है। ये सनातन धारणा है। और सोमनाथ का देवालय, वशिष्ठ, मरीचि, नारद, सनत कुमार, दधीचि जैसे ऋषिवर, विदुर, भीष्म पितामह, पांडव, बलराम, श्री कृष्ण, इसी प्रभास पाटन और भगवान सोमनाथ की पूजा अर्चना के लिए आए। यहाँ सरस्वती का तीर्थ बना, त्रिवेणी संगम, सरस्वती का नहीं लेकिन गंगा यमुना का भी नहीं, सरस्वती हिरणिया यहाँ आकर मिलती है। ठीक इसी तरह भगवान श्री राम यहाँ आए थे और महापंडित रावण भी आए थे। विविध पुराणों का कहना है कि श्री राम को वनवास मिला तब प्रभास पाटन आए थे, उन्होंने आशापुरा गणपति की पूजा अर्चना की थी। पिता दशरथ स्वप्न में आए तो प्रभास के अंतर्गत पुष्कर तीर्थ में उन्होंने श्राद्ध तर्पण किया था, और लंकेश रावण पुष्पक विमान में बैठकर निकले और सोमनाथ शिवलिंग तक पहुँचे, सोमेश्वर की पूजा की, शिवलिंग का नामकरण किया रावणेश्वर। प्रभास खंड का ये वर्णन है। किसी भी आराध्य के आसपास एक से अधिक कथा दंत कथाएँ हो जुड़ जाती है, ठीक वैसा ही श्री राम के विषय में हुआ है। लेकिन कुछ अध्ययन के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि गुजरात का अपना एक विशाल समुद्र किनारा है, दूर सुदूर विदेशों तक समुद्र वीरों की यात्राएं होती रहती हैं,
इन विकट और साहसिक सफर में जहाज और नौका चालकों के शक्ति स्तंभ रहे थे श्री राम। जहाज समंदर में अपनी यात्रा के लिए निकलने वाला है, लेकिन कैसे समुद्री खारवा चालक समूह में गीत के साथ नाखुदा चालक नायक समूह गीत से यात्रा आरंभ करता है। कैसा होता है यह गीत? कच्ची बोली में है, देखिए। हे माली जामशां रामे राम, गणपति ने हरमान जति रामे राम, हो वेला किनार में रामो राम, हरमान ने चांडसा लाडू रामो राम, सिकोतेर शेर वाई या रामो राम, जान फैसानी राम रखवारी रामो राम, आसारे ए आईना राखी रामो राम, अले मालिक रामो राम, हजार नाला रामो राम, दरिया होंगा रामो राम, पाग सलामत रामो राम, न्यार ना खोदा रामो राम, मल्ला तो जा रामो राम, सावनिकाम रामो राम, पिंड हैवान रामो राम, सुख दबोसा रामो राम, ओढ़ राम रामो राम, अले मालिक रामो राम। संक्षेप में इसका अर्थ ये है कि राम ही रक्षा करेगा, अशर अर्थात आशा पूरा देवी हमारे साथ होगी, आलसी आडराम मत बनो, साथ में हम हनुमान और श्री गणेश को उसके प्रिय लड्डू अर्पित करेंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कथा तो है राम रांध की अर्थात रामायण की। कच्ची बोली में इसकी रचना हुई है। रांध का अर्थ होता है लीला, राम की लीला। मंदिर महल और घर की दीवारों पर रामायण के प्रसंगों को चित्रित करने की परंपरा गुजरात में है, कच्छ में सविशेष है। पश्चिमी दिशा में कच्छ में 13 कोट गढ़ किला है। अबड़ासा तहसील के भूज से 85 किलोमीटर पर यह 13 कोट आए। 1845 में कला प्रेमी राजवी महाराव देसल जी के पुत्र हमीर जी ने इस महल की चारों दीवारों पर कच्ची रामायण रामरांध का अति सुंदर चित्रण करवाया। हमीर जी स्वयं राम भक्त थे। सुबह को उठने पर सामने चित्रमय मूर्ति राम की दर्शन करने का उनका आग्रह रहा था। कैसा है ये रामरांध? लोक परंपरा, लोक पोशाक, लोक व्यवहार की अभिव्यक्ति। कच्छ से जुड़े स्थानों से राम का लगाव इसमें लिखा गया है। देवी अप्सराएं भी कच्छी वस्त्रों में, केश कलाप भी उसका वैसा ही। ये संपूर्ण चित्रावली विष्णु धर्मोत्तर पुराण की परंपरा से जुड़ी है। युद्ध तो है पर कहीं लहू का चित्रण नहीं है। रामायण के कांड को यहाँ नाम दिया गया है मामलो। मामलो अर्थात प्रसंग, कांड, अध्याय। प्रथम से लेकर 7 मामलों में 64 दृश्यावली है। ये जो रामरांध है वह रावल जाति के परिवार गांवों में जाकर अभिनय के साथ प्रस्तुत करते रहते थे। खुले मैदान में रात के वक्त ये रामलीला होती। गीत, संगीत, संवाद, अभिनय, सब कुछ कच्ची परंपरा में। रावण को भी भ्रष्टमति का दर्शाने के लिए रावण के 10 मस्तकों में गर्दभ का चित्रांकन है। और हमारे हनुमान जी, कच्छ की परंपरा है ढोल के निनाद की, ये विजय का संकेत है। बूंगी और शब्द युद्ध में ललकार से जुड़ा स्वर है। रामरांध में हनुमान जी स्वयं ढोल बजाकर राम विजय की घोषणा करते हैं। कितने प्रतीक कच्छ से जुड़े हुए हैं राम के। रामरांध का अवसर खेती में उत्पादन के अवसर के पहले दिन वहां अभिनय होता था। एक तेतर फ्रेंटिनस नाम जिसका कहा जाता है, ये पंखी है वह क्या गाता है, कच्छियों ने सुना और उसका भाव पकड़ा, मर्म कहा
राम तुहि जी कुदरत, राम तुहि जी कुदरत। छोटे रण में जंगली गायों को कहा जाता है राम धण, धण यानी समूह। राजवियों के आराधक और राज चिन्ह में भी श्री राम। 17वीं सदी की खांबियां समाजियों, इसका नाम है राम शरण। कच्छी राजवी की राजधानी भूज में ठीक दोपहर 12 बजे मुख्य घोषणा राइफलों की आवाज के साथ होती है, राम जिए रा, राम भी जिए और रा मतलब राजा भी। 1925 में गांधी जी जब यहाँ आए तब व्याख्यान के आरंभ में उन्होंने राम की धुन गाई और कहा तुलसीदास के रामायण को भक्ति मार्ग का मैं श्रेष्ठ ग्रंथ मानता हूँ। एक छोटा सा गांव है मोड़कुआ, वहाँ एक दुर्लभ स्थापत्य में हनुमान जी गणेश जी दोनों को एक ही आसन पर विराजित दिखाए गए दिए हैं। भुज के ऐतिहासिक अमृतसर तालाब में रामकुंड एक विशिष्ट कुआ है, वाव है। इस तालाब के चारों पर रामायण ही रामायण का शिल्प है। कोटेश्वर की स्थापना की थी रावण ने। सुदूर पश्चिम में कच्छ के समुद्र के निकट ये देवालय है, यहाँ से आपको पाकिस्तान की रोशनी दिखाई देती है। यह नारायण सर भी है, गौधन को डूबते रावण ने बचाया था, लेकिन उसने अमृत कम जो वहाँ रखा वह तो समुद्री बलय में इधर उधर फैल गया। सिंधु नदी यहाँ बहती थी, श्रीमद् भागवत में कहा है तत्र नारायण सर तीर्थ सिंधु समुद्र यो हो संगमो यत्र सुमहन मुनि सिद्ध निषेधितम। नारा का अर्थ होता है जल और अयन का अर्थ होता है गति, इसमें से नारायण बना। ये बड़ी रसप्रद घटना है कि अयोध्या में श्री राम का जब राज्याभिषेक हुआ तब बजरंग बली हनुमान स्वयं नारायण सरोवर का जल कुंभ में अभिषेक के लिए ले गए थे। परंपरागत 36 देशी संगीत की धुन है कच्छ में, कच्छी राग से नाम से ख्यात है। अपने उनके वाद्य है ढोलक के साथ तंबूर किन्नार दांबूर बरुंगा, और राग का नाम क्या, राम कली। चित्रकला में कमांगली कलम है। मुस्लिम समुदाय ने राम कृष्ण लक्ष्मी इत्यादि का चित्रांकन इसी कलम से किया है। 1761 में लोकप्रिय राजवी लखपत जी के मृत्यु पर 15 राम रमणी, देखिए पत्नी का नाम राम रमणी था, भी राम कहो हुई, राम कहो हुई उन्होंने अपना आत्म बलिदान दिया। उनकी चिता पर अपना देह त्याग कर दिया। एक राम रक्षा मंत्र यंत्र यहाँ बहुत प्रचलित है, मानसिक कष्ट दूर करने के इलाज के रूप में। कच्छी बोली में राम का उच्चारण होता रा बत्ता ओम। कच्छी मुख गणित और वाक्य रचना की परंपरा थी, उसको कहते थे राम अग्यारी। कुछ और भी रोचक तथ्य है, इंद्रप्रस्थ के रचनाकार कौन थे, तो कि माया समूह था, उनका नाम माया था, माया ग्वाल। और समयांतर के बाद मेघबाल बन गए। कच्छी की ये जनजाति है, रामवाड़ा से राम की बाजार तक यहाँ कच्छ में एक भू रेखा है। बीच में आते हैं स्थान लक्ष्मी रानी, नारायण सर, राम सरणी, कोटेश्वर, लखपत, सिंधुड़ी और अंत में राम की बाजार। आज ये पाकिस्तान में है और राम की बाजार के बजाय रहीम की बाजार बन गया है। स्वाधीनता के बाद वर्तमान में राम और राम मंदिर समग्र गुजरात में सुस्थापित है। 1990 में भारत की आत्मा को जगाने के लिए यहीं से सोमनाथ से अयोध्या यात्रा हुई थी और उनका एक परिणाम हम देख रहे हैं, श्री राम मंदिर की प्रतिष्ठापना। ये थोड़े से तथ्य मैंने कहा।
बहुत से उसमें हैं, लेकिन किसी एक विशेष प्रदेश में विशिष्ट अनुभूति राम के साथ जुड़ी हुई लगती है, तो ये कच्छ में ये सब वहाँ एक बहुत संस्कृति के सर्जक संशोधक श्री राम सिंह जी राठौर हुए थे। अभी कुछ साल पहले उनका देहावसान हो गया। उन्होंने चारों तरफ घूमकर परिभ्रमण करके दस्तावेज लेकर चित्रों को आलेखित करके एक पुस्तक लिखा, कच्छ एंड रामरांत, अंग्रेजी में लिखा था। अब उसका गुजरातीकरण भी हुआ है और ये कला तीर्थ नाम की एक संस्था ने अभी अभी प्रकाशित किया है। तो ये एक क्या कहेंगे, कच्छ की राम यात्रा का थोड़ा सा दस्तावेज है। धन्यवाद।